अजमेर दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी पर डॉक्टर राकेश शिवासे के खिलाफ झूठा पैम्पलेट बंटवाने का आरोप। डॉक्टर शिवासे ने दी प्रशासन को शिकायत, सबूत भी किए पेश। अजमेर दक्षिण के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राकेश शिवासे ने आज प्रशासन को दो शिकायतें दी है। पहली शिकायत में डॉक्टर शिवासे ने बताया कि डाक विभाग के सरकारी कर्मचारी अरविंद ढोलकिया ने सरकारी कर्मचारी होते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का प्रचार किया। डॉक्टर शिवासे का दूसरा आरोप अजमेर दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी पर है। डॉक्टर शिवासे ने बताया कि 6 दिसंबर से सुबह 7 दिसंबर तक कांग्रेसियों ने शिवासे के खिलाफ झूठे पर्चे बांटे। आज इन दोनों मामलों की शिकायत प्रशासन से की और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने की मांग की। शिवासे ने मीडिया के समक्ष कई सबूत भी पेश किए। मैं डॉक्टर राकेश शिवासे अजमेर दक्षिण विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने आज मैडम को दो कंप्लेने दी है। एक कंप्लेन है कि एक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में होते हुए एक कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है और प्रचार कर रहा है। दूसरी शिकायत मैंने दी है कि कांग्रेस व कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा मेरे खिलाफ एक झूठा पैम्पलेट बाजार में बंटवाया गया। उस पैम्पलेट में ना तो किसी प्रकाशक का नाम है, ना कोई टेलीफोन नंबर है, जबकि आचार संहिता इतनी सख्त लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह के प्रेस में पर्चे छपना और उनका बटे वो 6 तारीख की रात से सुबह 7 तारीख के 6 बजे तक बटे हैं। और वो एक बड़ी गाड़ी में, जीप जो लाल कलर की गाड़ी है, उसके अंदर पूरे क्षेत्र में बटे हैं। मैंने मैडम से बात करी है कि इसकी जांच कराए और इस क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन लोगों को ढूंढे और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और जो ये कांग्रेस प्रत्याशी है इनका नामांकन रद्द किया जाए। हाँ, तो डाक विभाग में अरविंद ढोलकेड़िया हैं, उन्होंने समाज के लोगों को बरगलाने का काम करा है और उस बरगला के लोगों को मेरे को मतदान ना देने की अपील करी है। ये वो स्वयं एक राजकीय सेवा में होते हुए ये कार्य कर रहे हैं, उसका मैंने जो आपको दे दिया है रिटर्न में और जो प्रूफ है वो दे दिया है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप मीडिया पे और आपके लाइव उन्होंने बहुत प्रचार करा है और एक पार्टी विशेष के एजेंट बनकर कार्य किया है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली थी? ये जानकारी मुझे 7 तारीख को मिली थी जब मैं मतदान बूथों पे गया था। तो लेकिन मैंने मतदान बूथों पे देखा कि ये पर्चे बांट रहे हैं लोग बाग। मैंने कई लोगों को देखा जो ये पर्चे बांट रहे थे, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ और इस तरह के जो उन्होंने मेरे जो प्रतिष्ठा, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर जो सवाल उठाए उसके लिए मैं व्यक्तिगत कार्रवाई और करूँगा। उसके लिए मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ और जैसा भी होगा जल्द से जल्द उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और मुझे पता है कौन कौन व्यक्ति ये बांट रहा था, उनके मेरे पास पूरे सबूत है, मैंने प्रशासन को दे दिए हैं। प्रशासन अपने लेवल पर जांच कराए, अगर प्रशासन जांच नहीं कराएगा तो हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। फुटेज देखे क्या कैमरे के? अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे लेकिन हमारे पास हैं जिन्होंने लाइव देखे हैं लोगों को बांटते हुए। आपका नाम? डॉक्टर राकेश शिवासे। हाँ मैम, बताइए, एक जो शिकायत आई थी डॉक्टर साहब ने आचार संहिता का उल्लंघन और बूथ पे जाकर पर्चे बांटने का, क्या हुआ? आज दिनांक 9 दिसंबर 2018 को डॉक्टर राकेश शिवासिया जो हमारे यहाँ अजमेर दक्षिण से प्रत्याशी हैं स्वयं, उनके द्वारा दो कंप्लेंट्स दी गई हैं। एक तो कोई डाक विभाग के कर्मचारी हैं डॉक्टर कोई ढोलकिया करके, उनकी ये कंप्लेंट आई है कि उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया सरकारी कर्मचारी होते हुए। उनके व्हाट्सएप का वो उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है हमें, फेसबुक पे जो उन्होंने लिखा उसका दिया है, प्लस कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी उसमें वो बैठे हुए थे उस वक्त जहाँ कोई कांग्रेस की वो चल रही थी। तो इस संबंध में मैं नोटिस इशू अभी करूँगी उन्हें और उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। दूसरी कंप्लेंट ये थी कि कोई किसी व्यक्ति ने पर्चे बांटे हैं किसी पर्टिकुलर समाज के उसमें, और उसमें उनके नाम के अगेंस्ट दिया गया है और कांग्रेस को समर्थन देने का वो किया गया है। उसमें कोई पब्लिशर का नाम नहीं लिखा, इस तरह की कुछ कंप्लेंट थी। पर किसने बांटा और किसको बांटा ये इसमें कोई अभी प्रूफ नहीं है हमारे पास। मैंने राकेश शिवासे जी से यही बोला है कि मुझे बताया जाए कि किस पब्लिशर ने बांटा, कहाँ बांटा, ऑल दोज डिटेल्स, तो वो शायद वो लेके आएंगे। मैम, कोई राज्य कर्मचारी यदि इस तरीके की गतिविधि के अंदर आचार संहिता के दौरान पार्टिसिपेट करता है तो विभाग की तरफ से क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, विभाग की तरफ से जैसे हमारे यहाँ पहले भी ऐसा हुआ था सस्पेंशन की या चार्जशीट की कार्रवाई, पर ये विभाग दूसरा है। फर्स्ट शील कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन, उनका एक्सप्लेनेशन आने दीजिए और उसके बाद संबंधित पेरेंट विभाग को भेजा जाएगा DO की तरफ से।